जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ सकता है वो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। पतंग और ये इंसान जिसको उड़ा रहा होता है, और जो रस्सी है ना उसका धागा, वो एक डिसिप्लिन है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ सनी और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो होने वाला है, मैं जा रहा हूँ अपने लाइफ का फर्स्ट मोटिवेशन सेशन लेने के लिए। तो देखते हैं कि आज का हमारा मेरा यानी कि कैसा रहता मोटिवेशन सेशन। थोड़ा सा भाई अंदर से नर्वसनेस तो है, लेकिन आई होप कि आप लोग का ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा मेरा आज का मोटिवेशन क्लास। तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ जा करके कि मेरा आज का फर्स्ट मोटिवेशन क्लास कैसा रहता है, मैं कैसा प्रेजेंटेशन देता हूँ। और आई थिंक कि आप लोग का ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहता है, आया और हमेशा रहेगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। क्या बता भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा अंदर से धक धक हो रहा है। लेकिन हाँ, मुझे पता है इतना तो कॉन्फिडेंट है कि कर ही लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जाने वाला है। बाकी बात देखते हैं, लाइफ का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, आई होप कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी बात ऊपर वाले का आशीर्वाद, हमेशा अच्छा जाएगा। प्रिपरेशन चल रही है भाई टॉपिक, उसके बाद देखते हैं मेहनत रंग लाता है या नहीं लाता है। वो मेरे ऊपर है और ऊपर वाले के ऊपर, और आप लोग का कृपा रहा तो जरूर ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएगा। तो भाई साहब वो टाइम आ गया अंदर जाने का, बहुत ही ज़्यादा धक धक हो रहा है। आपको कैसा लगा फ्री दिमाग? ठीक है, एक नंबर, ऑल गुड। हो जाएगा, कंफर्म। चलिए बढ़िया, और फ्री भाई का ब्लेसिंग्स तो है, तो खुद को बोल लेते भाई ऑल दी बेस्ट। देखते अंदर जाके कैसा होने वाला है, फाड़ देंगे जो होगा, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे भाई, लेकिन अच्छा करके आएंगे। आपका भाई जोगेंद्र बहुत ही अच्छा करके आएगा, क्योंकि अभी का टाइम में हम सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू का, कि हमारे पास वैल्यू नहीं मिलता है। सबसे पहली बात है, वैल्यू तभी मिलेगा हम लोगों को भाई जब हम लोग पास कुछ एक प्रोफेशनल डिग्री होगा, या तो हम कहीं अच्छे तरीके से जॉब कर रहे होंगे, या तो हमारे पास बहुत सारे इनकम होंगे, है या नहीं है? सही है ना? तो होता है क्या है ना, कि एक लड़का होता है और इसके पिताजी होते हैं, ठीक है। तो उसके जो पिताजी होते हैं ना, वो पत्थर चुनते हैं। कहाँ पे चुनते हैं? नदी में जाकर के पत्थर चुनते हैं, एकदम छोटे छोटे पत्थर चुनते हैं। तो लड़का क्या करता है, घर पे आता है और अपने पिताजी से बोलता है, पापा से, कि पापा हमको ना कोई भी इज्जत नहीं दे रहा, वैल्यू है ही नहीं मेरा, कोई हमको पूछता नहीं है, कोई मेरा दोस्त मेरे से ढंग से बात नहीं करता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि एक काम करो, हम अभी जस्ट नदी से आए हैं, एक पत्थर जो ये है ना तुम अपने पास रख लो, और तुमको करना क्या है, हाट लगता है, हटिया जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, हाट लगता है तुम वहाँ पे चले जाना, और सिर्फ एक पत्थर लेके जाना। तुम बहुत सारे पत्थर उसके पिताजी लाए होंगे, लेकिन सिर्फ तुम एक पत्थर लेकर जाना, ठीक है। वो करता है क्या है, एक पत्थर लेता अपने पिताजी से और हाट में चला जाता है, ठीक है। और इसका पिताजी बोलते हैं कि जब भी तुमसे कोई पूछे ना कि इसका दाम क्या है, तो तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ दो उंगली खड़ा कर देना। क्या करना है? दो उंगली खड़ा कर देना, ठीक है। तो उसके जब भी गया वहाँ पे, तो एक बूढ़ी दादी आती है, तो उससे बोलती है कि कितना का ये पत्थर है? तो लड़का क्या बोलता है? दो, ठीक है। तो बोलता है 200 रुपया, फिर भी कुछ नहीं बोलता लड़का। उस दादी से वो क्या करता है, 200 रुपया लेके घर चला जाता है, और अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी इस पत्थर का जो दाम ना हमको कितना मिला, 200 रुपया मिला, ठीक है। एक दिन के बाद क्या होता है, फिर से उस पत्थर को उसके पिताजी दूसरा पत्थर ला कर देते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं इस पत्थर को तुम ले जाकर म्यूज़ियम चले जाओ। म्यूज़ियम क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज वगैरह रखे जाते हैं, है ना, पत्थर का बना हुआ, स्टोन का, जो महंगा महंगा जहाँ पे रखा जाता है, जैसे कि आप अमिताभ बच्चन का देख लो जाकर, जिसका मोम का बना हुआ पूरा स्टैचू, वो रखा हुआ रहता है म्यूज़ियम जा करके। शाहरुख खान हो गया, बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह वहाँ पर। तो होता क्या है, वो लड़का उस पत्थर को लेकर म्यूज़ियम चला जाता है, ठीक है ना। और वहाँ भी बोलता है अगर तुमसे इस पत्थर का दाम पूछा जाए ना, तो तुम कुछ मत करना, फिर से दो उंगली खड़ा कर देना, ठीक है ना। तो एक आदमी आता है परचेजर और बोलता है कि ये पत्थर कितने का है?
तो कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है क्या? दो, ठीक है ना। तो उसको कितना देता है? दो लाख रुपया देता है उसको, ठीक है, दो लाख देता है। म्यूजियम था भाई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, चार पाँच दिन लड़का घर पे गया भाई, पहला तो उसको 200 मिला, फिर आया 2 लाख मिला, 2,200 रुपये उसके पास जमा है, ठीक है ना। और पूरा मस्त से एकदम खा पी के सो गया। उसके पिताजी बोले, ये पत्थर को फिर से दोबारा ले जा करके एक स्टोन्स वाले दुकान में चले जाओ, जहाँ पे डायमंड्स वगैरह बिकते हैं। वहाँ पे क्या करता है, उस पत्थर को ले जा करके डायमंड शॉप में चला जाता है और वहाँ पे लेकर जाकर वो बैठ जाता है। तभी एक वेंडर आता है ख़रीदने वाला उसको, ठीक है ना। उससे पूछता है कि ये पत्थर तुम कहाँ से पाए? तो कुछ भी नहीं बोला, बोला बस मेरे पिताजी ने हमको दिया था, इसलिए मेरे पास ये पत्थर है। तो वो जो आदमी था वेंडर, जो परचेजर आया था ख़रीदने के लिए उसके पास, वो बोलता है इस पत्थर का तलाश हम लास्ट 20 साल से कर रहे थे, जो तुम्हारे पास है। उस पत्थर को उसको बोलता है तुम कितना लोगे, ऐसे खड़ा करते हैं, ठीक है। अब उसको कीमत मिलता 20 लाख रुपया, ठीक है। तो ये स्टोरी का मोरल क्या है कि हम वैल्यू अपना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड किससे करता है कि लेवल क्या है, है कि नहीं। अगर आप सोच रहे हो भैया कि हम नीचे स्टेज लेवल में जाएंगे, तो आपका बस वही 200 का लेवल होगा, उसके ऊपर कहीं रखेंगे अपने आपको और को मेहनत करके, तो उससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा और उससे ज़्यादा तरसेंगे थोड़ा सा और, तो हमको 20 लाख तक भी जा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम अपना वैल्यू कहाँ रखते हैं, नहीं। तो ये माइंडसेट हम लोगों का है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। तो लाइफ में बस एक ही है मोरल है कि मेहनत करो, आपकी वैल्यू आप खुद लगा सकते हो, बल्कि दूसरा डिपेंड आपके ऊपर कुछ भी नहीं करता है नहीं। अब देखो होता क्या है ना, हम स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टाइम में होता क्या है कि भाई सुबह उठते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें, है या नहीं है। फिर थोड़ा देर होता है, फिर टाइम गुजर जाता है, फिर सोचते हैं कि टाइम नहीं, आप क्या करें। तो हम, मेरे अंदर सबसे बड़ा एक स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा बीमारी अगर बोले ना भाई, तो क्या बीमारी पता है, टाइम का। आप कहीं सुबह का 6 बजे का अलार्म सेट करते हैं, कितना बजे का, 6 बजे का, है या नहीं है। 6 बजे का अलार्म सेट करते हैं भाई, पूरा अलार्म बज रहा है, जो आप रिंगटोन लगाएं बहुत अच्छा वाला बज रहा है, चलो भाई उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन अलार्म बोलता है आपको महाराज आप तो उठ जाइए 6 बज गया है, बोलता है नहीं, बोलता है कि महाराज उठ जाइए 6 बज गया, लेकिन उसमें एक ऑप्शन देता है स्नूज का, फिर से टिप देते हैं उसको, ठीक है नहीं है। अब हमको पता रहता लाइफ में कि हम लोग 10 साल पहले पढ़ चुके हैं एक किताब में कि हम लोग का ना 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, किताब में पढ़ चुके हैं पहले ही कि 8 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग लाइफ में है या नहीं है। और हम लोग ना अलार्म और अपने नींद के बीच में World War III चल रहा होता है, ठीक है ना। आपको अलार्म बोलता है महाराज उठ जाइए, अब आपका टाइम हो चुका है, ठीक है ना। और वहीं वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, पहला दिमाग में आता है भाई इंसान को तो 8 घंटा सोना चाहिए, दूसरा दिमाग में ये आता है अभी तो हम लेट से सोए, आज 1 बजे सोए हैं तो इतना जल्दी उठ के क्या करेंगे, और 2 घंटा सो लेते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ World War III चल रहा होता है हमारा। अब बात आता है बेसिक, यहाँ पे ये है कि देखो दिन हमारा लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है, सुबह उठना। इस चीज़ को आप समझो, सुबह उठना। जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ सकता है वो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सुबह उठना है नहीं है। आप सोचो आप 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, ठीक है, और मेरा सुबह ही होता है उठने से, और जब वो लाइफ का सबसे पहला चैलेंज ही हार जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि हम बाकी काम कुछ अच्छे तरीके से हो पाएगा, कभी नहीं होगा। और ये फैक्ट है या नहीं है, फैक्ट है ना, हर कोई ऐसा कर रहा होता है। आप सुबह 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, उसके बाद आप देखना कि भाई मेरा कितना अच्छे तरीके से दिन कट रहा है नहीं है। आप हमको ये बताओ, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, ठीक है, डिलीवरी होता है, बच्चा आ जाता है बाहर, उसके बाद क्या लगता है, वो बच्चा गिरता है, पैर छिलाता है, रेंगता है, लेकिन उसकी माँ कभी ये चीज़ बोली है क्या कि मेरा बच्चा नहीं चलेगा, बताओ कभी बोली उसकी माँ कि मेरा बच्चा नहीं चलेगा ऐसा। वो कितना बार गिरता है बच्चा, चोट लगता है, कभी हाथ में लगा, कभी पैर में लगा, रेंगा, लेकिन आखिर में वो चलता है, और उसकी माँ को भरोसा होता है कि मेरा बच्चा चलेगा, और एक ना एक दिन ज़रूर चलता है नहीं। हम तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे से ज़्यादा एनर्जी तो हमारे अंदर है नहीं है। तो आप सोचो
कि कितना अच्छा हम लोग पास है स्टैमिना भरपूर बढ़ा हुआ भाई, बच्चे से ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो हम पहले ही हार मान जाते हैं। एक बच्चा हार नहीं मान रहा है जबकि उसको फिजिकली चोट लग रहा है, बॉडी में लग रहा है कि नहीं, चिल्ला रहा है, कुछ भी हो रहा है। हम लोगों के पास ना गिरने का क्षमता है ना उठने का क्षमता है, ऐसे मान लिए हम लोग। अरे भाई आप गिरोगे तब तो उठोगे, सोचो आप। अभी का टाइम है टेक्नोलॉजी कितना हाई हो रखा है, आपको कोई चीज़ पता नहीं हो ना, आप गूगल बाबा में सर्च करो जाके, गूगल बाबा आपको सब कुछ बता देगा कि ये चीज़ का उपाय है। अभी हम आ रहे थे यहाँ पे तो हमको बहुत सारा टॉपिक का मीनिंग नहीं पता था, तो हम अफरीदी भाई के बोले भाई गूगल तो चेक करो, हम देखते हैं क्या होता है हिंदी मीनिंग उसका, है या नहीं है। तो आपके पास हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, आपके पास बहुत सारा ऐसा यंत्र है जिससे आप अपना टाइम को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स आपके यहाँ से भी आपके बहुत सारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नहीं बाकी बात देखो, टीचर्स अभी के टीचर्स के अंदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा, क्षमता बहुत ही ज़्यादा है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो आप सोचो, ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते कुछ, आप करो तो सही। बहुत बार था, अभी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके सामने आए, ठीक है, तो क्या लगता है कि फर्स्ट टाइम जब हम आते थे यहाँ पे मोटिवेशन क्लास कहीं लेते थे, ऐसे ही बोलते होंगे इतना कॉन्फिडेंट के साथ? नहीं, फर्स्ट टाइम पे तो 5 मिनट बोले थे, भाग गए थे। सही बता रहे हैं, 5 मिनट बोले भाग गए। सेकंड टाइम थोड़ा सा बढ़ा था आधा घंटा तक, उसको नर्वसनेस इतना ज़्यादा हो गया था कि बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन हम कोशिश तो किए ना कि भाई नहीं बोलना है, समझाना है। चलो मेरे एज के भी बहुत सारे लड़के हैं, हमको लगता है आई थिंक हम भी तो आपके एज के होंगे, है नहीं है? तो अरे एकदम होंगे भाई, मेरा खुद 20 ईयर्स हो रहा है, ग्रेजुएशन अभी लास्ट ईयर तो पास ही हुए हैं 2021 में, बताओ। तो हम भी तो आपकी एज के हैं ना, कोई चेंजेस है हमारे और आपके अंदर में? कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस यही है चेंजेस करने आपको खुद करने की, हमको काम को करना है तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। और समय को खरीदना सीखो ना कि हम लोग लाइफ में डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। है डिसिप्लिन बताओ, कोई सा डिसिप्लिन है किसी के अंदर? डिसिप्लिन है क्या आप कर रहे हैं, क्या नहीं खा रहे पी रहे हैं, कुछ भी डिसिप्लिन आपके अंदर है? नहीं होगा डिसिप्लिन। अब हम बात करें, देखो एक पतंग पता है क्या होता है, पतंग उड़ाते हैं हम लोग तो उसमें एक रस्सी बांधा हुआ रहता है ना। अगर मान लो वो जो रस्सी बांधा हुआ है ना, एक डिसिप्लिन में पतंग उड़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा लूज़ दिए हैं तो और ऊपर हाई जाएगा, खींचेंगे तो नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करो तो लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा वो, ठीक है। नहीं तो होता क्या है कि वो जो पतंग और हमारे हाथ के बीच में जो रस्सी है ना, वो एक डिसिप्लिन में बना हुआ है। अगर मान लो उस धागे को काट दिए हम तो क्या होगा, पतंग चला जाएगा। और ये पतंग क्या, एक पीस ऑफ पेपर है, इजंट इट? ये जो पतंग का काइट जो है बस पीस ऑफ पेपर है, पेपर का ही बना हुआ और कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो एक रस्सी के बदौलत वो कितना ऊंचा जा सकता है। तो सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी डिपेंड करता है, पतंग और ये इंसान जिसको उड़ा रहा होता है, और जो रस्सी है ना उसका धागा, वो एक डिसिप्लिन है। जिस दिन आप अपने अंदर से डिसिप्लिन हटा दोगे तो हम भी बस एक धागा ही रह जाएंगे, याद रखो। पतंग ख़त्म, जिस दिन ये धागा कटेगा पतंग भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। बस आपके अंदर भी वही चीज़ है, डिसिप्लिन जिस दिन आपके लाइफ से ख़त्म हुआ उस दिन वो इंसान का समझ लो कि दुर्गति चालू स्टार्ट होना हो गया भाई, फिर आप कभी लाइफ नहीं कर सकते।